परिवर्तन नहीं किए गए, समाज में होते हुए फाइनेंस के क्षेत्र में होते हुए आधुनिक परिवर्तनों को कोऑपरेटिव व्यवस्था ने स्वीकारा नहीं, नए डायमेंशन और नए डायनेमिक्स के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो पूरी व्यवस्था को फिर से एक बार ये वही बेस का उपयोग करते हुए पुनर्जीवित करना और देश के 60 करोड़ लोगों को समृद्ध बनाने का एक तंत्र खड़ा करना, इसी के लिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य सिद्ध किया और इसीलिए सहकारिता मंत्रालय ने स्थापना की। 2 साल के अंदर हमने सबसे पहले पैक्स के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। नाबार्ड के सहयोग से भारत सरकार बजट दे रही है, नाबार्ड नोडल एजेंसी है। 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन विथ सॉफ्टवेयर, जिससे पैक्स से लेकर नाबार्ड तक पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी, पूरा बैंकिंग ऑनलाइन हो जाएगा, ऑडिट ऑनलाइन हो जाएगा और क्रेडिट भी ऑनलाइन मिलेगी। ये व्यवस्था हम 1 साल के अंदर पूरी करेंगे। इसके साथ साथ पैक्स के बायलॉज बदलने का काम किया, पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाया। अब पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे, आने वाले दिनों में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर हम आ रहे हैं। पैक्स जन आरोग्य केंद्र, मतलब सस्ती दवाई की दुकान भी पैक्स खोल पाएंगे, फर्टिलाइजर की शॉप भी पैक्स खोल पाएंगे, पीडीएस सिस्टम का हिस्सा भी पैक्स बनेंगे, पेट्रोल पंप भी खोल पाएंगे, गैस की एजेंसी भी पैक्स को मिलेगी और हर घर जल से नल, इसके मेंटेनेंस का काम भी पैक्स कर पाएंगे और पैक्स सीएससी भी बन पाएंगे और अब पैक्स बैंक मित्र भी बन जाएंगे। तो इस सारी योजनाओं को पैक्स के अंदर समाहित कर पैक्सी डेयरी होंगे, पैक्सी मछुआरा समिति होंगे और पैक्सी फाइनेंस की व्यवस्था होंगे। तो पैक्स को वायबल करने के लिए हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और मैं मानता हूं कि सारी चीजों को अगर जमीन पर उतारना है तो नाबार्ड के सहयोग के बगैर नहीं उतार सकते। आज मैं नाबार्ड के टॉप ब्रास यहां पर बैठा है सबको कहना चाहता हूं, साजी जी ने कहा कि हम बैंक है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। बैंक तो अकाउंट की व्यवस्था है और सरकार के नियमों के हिसाब से है। आप बैंक नहीं हो, आप मिशन हो देश की ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने। नाबार्ड के हर कर्मचारी हर अधिकारी ने मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, मिशन के तहत काम करना पड़ेगा। गोवर्धन योजना, गांव में गंदगी करते हुए गोबर को अगर खाद में और ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो नाबार्ड के बगैर नहीं कर सकते। गांव के अंदर पूरे एग्रीकल्चर की दिशा और दशा दोनों बदलना है तो नाबार्ड के बगैर नहीं कर सकते। नाबार्ड जब अपने लक्ष्य तय करे तब सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स न तय करे, ये भी तय करे कि भारत सरकार ने तय किया है कि 5 साल में 3 लाख पैक्स खुलेंगे, इसमें नाबार्ड क्या करेगा, यह भी तय करे कि कितनी गोवर्धन को हम रिफाइनेंस करेंगे, यह भी तय करे कितने कोऑपरेटिव एफपीओ हम बनाएंगे, यह भी तय करे कि प्रधानमंत्री भंडारण योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना बनने वाली है, किसान का अनाज अपने गांव के बाहर ही न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो होने जा रही है इसमें कहीं पर भी फाइनेंस की तकलीफ हम नहीं होंगे। आपके लक्ष्य फाइनेंशियल पैरामीटर्स को तो करिए ही करिए, परंतु मानवीय लक्ष्य भी, ग्रामीण विकास के लक्ष्य भी आपने साथ में तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ बैंक नहीं हो, बैंक तो हो ही साथ में एक मिशन भी है। और मित्रों, मैं चाहूंगा के मिशन आप लोग उठाएं। हमने एक 3 बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई, एक ऑर्गेनिक उत्पादों का किसान को
उचित दाम विश्व के बाजार में मिले इसके लिए बहुराज्यीय सहकारी जैविक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। एक निर्यात कर हमारे कृषि उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए बहुराज्यीय सहकारी निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई। और हमारे परंपरागत बीजों का संरक्षण संवर्धन और ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए भी बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति भी बनाई है। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट को एक समान दर पर इनकम टैक्स की दृष्टि से लाने का काम लगभग 50 साल के बाद किया है। आज कोई भी कोऑपरेटिव संस्था कॉरपोरेट कंपनी के इक्विवेलेंट खड़ी है, हम इनसे स्पर्धा कर सकते हैं। चीनी मिलों के 10,000 करोड़ रुपए का कब का एक डिस्प्यूट चलता था, उसको भी हमने रिजोल्व करा है।